सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई आर पावर को लेकर। जी हाँ, रिलायंस पावर में आप लोग देखोगे आज हमें 5% की तेजी देखने को मिल रही है। कल स्टॉक में 10% का सर्किट था और इससे एक दिन पहले भी आपने देखा होगा स्टॉक में 10% का सर्किट था। तो 10% से जो स्टॉक है वो लगातार चल रहा था क्योंकि इसके सर्किट फिल्टर चेंज में थे पीछे, ठीक है, 10% का कर दिया था, जिसके चलते स्टॉक में 10% की तेजी बनी। खबरें अच्छी आई कि स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी ने अपना सारा डेट जो अभी चुका दिया, जितने भी पेंडिंग जितने भी ड्यूज थे सारे के सारे इन्होंने पे कर दिए। उसके बाद आप लोग देखोगे एक मामला और कल के दिन हमें देखने को मिला था 3900 करोड़ के आसपास का, ठीक है, वहाँ पर कॉर्पोरेट गारंटी वगैरह दी हुई थी कंपनी ने अपने सब्सिडियरी कंपनी के लिए, उसके लिए भी आप लोगों का 1 टाइम सेटलमेंट हुआ है। और ये खबर जैसे कल मार्केट में आई तो स्टॉक में कल भी 10% का अपर सर्किट लगा था भाई। और आज आप लोग देखोगे स्टॉक हमें जो है अभी अच्छी खासी डिमांड में चलते हुए 5% की तेजी में दिखाई दे रहा है, बिकॉज एक्सचेंजेस ने जो है अभी यहाँ पर जो सर्किट फिल्टर है वो इसका एक बार फिर चेंज कर दिया है, 10% से आप लोग देखोगे 5% कर दिया भाई। तो 10% से 5% का सर्किट फिल्टर हो गया, 5% जो स्टॉक है वो अप डाउन होते हुए नजर आ सकता है। तो आज आप लोगों को फिर से जो स्टॉक है वो 5% का सर्किट लगाते हुए नजर आया, जो कि काफी अच्छी बात है। वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई आई है भाई, 3 करोड़ 38 लाख के आसपास वॉल्यूम आई है, यानी कि ऊपर से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन जो हमारे टारगेट थे, पहला टारगेट था भाई 31 रुपए का, वो भी आ गए। सेकंड टारगेट जो था वो 34 रुपए के आसपास का था, आई थिंक वो भी हमें देखने को मिल जाए यहां से, यानी स्टॉक बाउंड वीक हाई क्रिएट कर सकता है क्योंकि इसका जो बाउंड वीक हाई है वो 34 रुपए 45 पैसे है। अगर कल के दिन भी स्टॉक में रैली बनती है इसी प्रकार से 5% का सर्किट लगता है तो ये बाउंड वीक हाई क्रिएट कर सकता है। और बाकी देखो भी अगर प्रॉफिट बुकिंग होने लगे तो कुछ कह भी नहीं सकते। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट वगैरह आगे के कैसे क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं, इन सबको देखते हो। जो RSI MFI वगैरह है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसका जो PE रेशो है वो हमें देखने को मिल रहा है लगभग 6.4 माइनस में है भाई ये, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग देखोगे जो इसका ROE है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन है, कुछ एक चीज़ है अभी नेगेटिव और कुछ एक चीज़ें पॉजिटिव है। तो चलिए एक बार देख लेते भी अभी इसका चार्ट। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी ये जो स्टॉक है वो हमें थोड़ा बहुत हलचल करते हुए नजर आ रहा है, अभी के टाइम 32.65 के आसपास 32.75 के आसपास दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर्किट लगने के बाद जो स्टॉक थोड़ा बहुत हिला है भाई ऊपर से, ठीक है। नहीं, प्रॉफिट बुकिंग मैंने अभी पीछे बोला ना आपको, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, पैनिक ही होना। अगर आपकी होल्डिंग है तो 31.80 रुपए इस लेवल को सपोर्ट के तौर पर ट्राई कर सकते हो आगे के लिए, ठीक है। और बाकी देखो भाई अगर 31.80 के सपोर्ट पर आप लोग काम कर रहे हो तो इसमें LC लगने के चांसेज रहेंगे, इसलिए देखो भाई ठीक है 32 की रेंज या तो ये लगेगा फिर 31, ये रिस्क नहीं लेना उनके लिए भाई। या फिर ऊपर में आप लोग देखो कि स्टॉक में इसी प्रकार से अगर तेजी बनती है तो ये हमें जो ना ऊपर में 34-60 के जो लेवल है वो दिखा सकता है, फ्रेश बाउंड भी खाए यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी पहले से होल्डिंग है, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ है, आप लोग स्टॉक में इतनी रैली बनी है, जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो लिया जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी इसमें। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग तो डेफिनेटली बनेगी एक बार, तो इसलिए अगर आपकी होल्डिंग थोड़ा सा सावधानी के साथ चले भी, फ्रेश एंट्री अगर लेने के बारे में सोचो भी अभी कोई माहौल नहीं है फ्रेश एंट्री के, क्योंकि स्टॉक इतनी तेजी दिखा चुका है अभी, आप लोग 23-24 रुपए से ऊपर में ये 33 रुपए के आसपास आ गया है, तो ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है इसके अंदर। देखो भी अभी स्टॉक ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है। अगर स्टॉक आपको लगे भी LC लगते जाते हुए नजर आए तो उस कंडीशन में एक बार प्रॉफिट लेना सही रहेगा, आगे आपकी मर्जी है, फ्रेश एंट्री कोई मामला नहीं अभी के टाइम। और बाकी एक डीप आए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।